उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बच्चा चोर ने पत्रकार के घर से मासूम बच्चे को अपहरण करने की कोशिश की। इस घटना ने इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चा चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। हमने मना भी किया था। तो तुम अपने मन से बैठे थे कि जबरदस्ती बैठा लिया था? आपने मना किया था फिर भी बैठा लिया था, क्या बोला था? कि चलो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, तुरंत छोड़ देंगे। मेरे छोटे बेटे को जो कि 5.5 साल का है, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल में बैठा करके लेके गया है, यानी कि उसको अपहरण करके लेके गया है। और मेरी पत्नी जो है उसके पीछे भागी, लेकिन वो पकड़ नहीं पाई, उसने मोटरसाइकिल तेजी के साथ भागा करके वो वहां से लेकर के गया। मैंने तो तत्काल जो है कुछ लोगों से संपर्क किया कि किसी तरीके से उसको पकड़ा जाए, क्योंकि पत्नी उसके पीछे दौड़ रही थी। और इसके बाद जो है आगे देख करके, ये सारी घटना को देख करके एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल के को उसको रोका और रोक करके बेटे को उससे छीन लिया। हालांकि वो मोटरसाइकिल से भाग निकला, लेकिन फिर उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। तो बच्चे की माँ चिल्लाते हुए आ रही थी, मैं अपनी दुकान की तरफ निकल रहा था, रास्ते में देखा कि चिल्लाते हुए आ रहे हैं, तो मैं इनके पीछे लग गया। उन्होंने कहा इसको पकड़िए भाई साहब, मैंने बच्चा देखा तो उसके पीछे लगा, थोड़ा दूर जाके मुझे पकड़ में आया, गाड़ी मैंने टेढ़ा करके लगाया, फिर बच्चे को उतारा, पूछा उससे कि कौन हो, कहाँ से हो और बच्चे को जानते हो? उसने बताया हाँ मैं जानता हूँ, कह रहा इनके घर में मैं साफ सफाई करता रहा, तो जब चॉकलेट दिलाने ले जा रहा हूँ।